खबर दिल्ली से, जहां आध्यात्मिक गुरु वीरेंद्र के आश्रम पर छापेमारी हुई। 41 नाबालिग लड़कियों को आश्रम से बाहर निकाला गया है। कई नाबालिग लड़कियों को भी आश्रम से निकाला गया है। नाबालिग लड़कियों को आश्रम से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है। आश्रम के अंदर 14 ताले तोड़े गए हैं और आश्रम को लेकर DCW की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का भी बयान है कि ये कोई विश्वविद्यालय नहीं है। आश्रम से दवाइयां और आपत्तिजनक सामान बरामद हुए हैं, ये भी कहा स्वाति मालीवाल ने। साथ ही हाईकोर्ट के ऑर्डर पर ये ऑपरेशन हुआ है, इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, खबर दिल्ली से है, जहां एक और बाबा का काला चिट्ठा खुलने लगा है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के नाम से ये पूरा गोरख धंधा यहां पर चलाया जा रहा था, जहां मासूम बच्चियों को बंधक बनाकर रखा गया था। 41 नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने यहां पर छुड़ाया है और उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। तो 41 आज 8 घंटे से मैं यहाँ पे अंदर हूँ और हमने मिलकर दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर 41 माइनर लड़कियों को यहाँ से रेस्क्यू कराया है। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था, बहुत दिन से चल रहा है, हाईकोर्ट के ऑर्डर्स पे ये ऑपरेशन हुआ है। आज चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यहाँ पे आई है और उन्होंने 41 लड़कियों को आइडेंटिफाई करा है जो कि माइनर्स हैं, जो कि नाबालिग हैं। ये जो जगह है जो अपने आप को आध्यात्मिक विश्वविद्यालय कहता है, पहली बात तो ये कोई विश्वविद्यालय नहीं है। इनको कहां से ये ऑर्डर मिला कि ये विश्वविद्यालय की तरह अपने आप को ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं? अंदर कहीं पे भी कोई भी कागजी कार्रवाई नहीं हो रखी। कौन लड़की आती है, कहां जाती है, क्या होता है, पूरा का पूरा तिहाड़ जेल से भी बदतर हालात बना रखे हैं। आप पहला गेट है, मेटालिक गेट है जो मेरे पीछे है, इसके थोड़े से अंदर थोड़े से कदम पे फिर एक और गेट है, उसके अंदर फिर एक और गेट है, गेट ही गेट और ताले ही ताले हैं और इतना डराने वाला अंदर माहौल है कि हम बता नहीं सकते। और इस पूरी खबर पर ललित हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। ललित, कई दिनों से ये पूरा मामला इसमें गरमा रहा है और ऑपरेशन भी चल रहा है, आज फिर छापेमारी हुई है। 41 नाबालिग बच्चियों को बाल सुधार गृह में रखा गया है। फिलहाल और ताजा क्या अपडेट आ रहे हैं इस पूरी खबर पर, आज दिनभर क्या घटनाक्रम रहा? देखिए अनूप, आज पूरे दिन में तकरीबन 8 घंटा इसमें रेड चली है। जैसा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कल आदेश किया था, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने कल रात में छापेमारी भी की थी और उससे पहले जो है DCW की टीम और दिल्ली पुलिस की टीम ने जो है वहां पर छापेमारी की थी। तो उस छापेमारी के बाद जो है स्थिति ये हुई थी कि वहां पर उनको बंधक बना लिया था। उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया तो उसके बाद छापेमारी हुई और छापेमारी के बाद आज भारी सुरक्षा बल के बीच में जो है 41 लड़कियों को बरामद किया गया है और उन लड़कियों को जो है नारी निकेतन केंद्र में और जो बाल सुधार गृह है वहां पर भेज दिया गया है। तो अब इस पूरे मामले में ये स्थिति है कि जो जितने भी लड़कियां बरामद हुई है, अब पुलिस जो है उनके बारे में पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो कौन लड़कियां थी और कहाँ से आई थी और उनके बारे में क्या डिटेल्स जानकारी निकल के सामने आ रही है। वही स्वाति मालीवाल जो कि मीडिया के सामने आई थी, उन्होंने ये बताया कि ये जो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय नाम की चीज चल रही है, ये कोई भी आध्यात्मिक विश्वविद्यालय नहीं है, कहीं से एफिलेटेड नहीं है, ना तो यहाँ पर स्टूडेंट्स का ब्यौरा है, ना ही किसी तरह की कोई कोर्स की जानकारी है। तो ये एक तरह का फर्जी पूरा विश्वविद्यालय चल रहा है और ये विश्वविद्यालय की आड़ में एक तरह से बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा था जो कि जिस्म फरोशी का काम कर रहा था और संदिग्ध लड़के नाबालिग लड़कियां बरामद हुई हैं यहाँ पर और उन नाबालिग लड़कियों से अब पुलिस जो है, स्वाति मालीवाल ने यह भी बताया कि उनसे कोई भी ऐसी वो लोग अभी बात करने की स्थिति में नहीं है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था करके। तो कुल मिलाकर जो है इस पूरे मामले में कल भी इस पूरे मामले में पूछताछ होनी है तो कल भी पूरी स्थिति साफ होगी, लेकिन आज का जो घटनाक्रम रहा उसमें यह हुआ कि 41 लड़कियों को बरामद किया गया है और उन लड़कियों को बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। बिल्कुल ललित, आज जो छापेमारी का ये पूरा क्रम चला है, इसमें 41 लड़कियां तो मिली हैं जिन्हें बाल सुधार गृह बाल आश्रम में भेजा गया, लेकिन इसके अलावा और सामान वहां से क्या बरामद हुए?
देखिए स्वाति मालीवाल ने बताया कि क्योंकि अंदर जाने की मीडिया को इजाजत तो नहीं थी, लेकिन स्वाति मालीवाल का कहना था कि यहाँ पर कई सारे ऐसे लेटर जो है लड़कियों से लिखवाए जा रहे थे जो कि बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल थे, और किसी भी लड़की के लिए उन लेटर्स को लिखना एक तरह से असंभव सा कार्य है। यानी कि वो जो लेटर थे वो बाबा के लिए बड़े ही प्रेशर में लिखवाए जा रहे थे, और उसके अलावा जो है यहाँ पर सीडीज कई तरह की जो असली सीडीज है वो बरामद हुई है, और इसके अलावा कई तरह का ऑब्जेक्शनेबल मैटर बरामद हुआ है। तो वो सब जो है पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, और जो जो इस पूरे मामले का सरगना है उसकी तलाश जारी हो रही है। जी चलिए शुक्रिया ललित इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तरी दिल्ली के रोहिणी विजय विहार में चल रहे आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में यौन शोषण के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट की बनाई कमेटी ने छापेमारी की जानकारी कोर्ट को दी है, और बताया गया है कि आश्रम की दूसरी बिल्डिंग में जांच टीम को 30 से 40 मोबाइल फोन मिले हैं, साथ ही 10 से 12 मेमोरी कार्ड मिले हैं और कुछ लेटर भी मिले हैं जिन्हें तुरंत सील कर दिया गया। सीबीआई को इस मामले में तुरंत एक्शन लेने को कहा गया है, साथ ही 15 से 20 आदमी भी वहां पर मिले हैं जिन्हें आश्रम का सेवादार कहा जा रहा है। कोर्ट में एक लड़की को पेश किया गया है, लड़की के परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि आश्रम वाले साल 2015 से मिलने नहीं दे रहे। वहीं आश्रम की पार्किंग में 15 से 20 गाड़ियां भी खड़ी मिली हैं। कोर्ट ने सीबीआई को गंभीरता से मामले की जांच के आदेश दिए हैं। विश्वविद्यालय के बैंक अकाउंट के बारे में भी पूछा गया तो वकील ने कहा कि विश्वविद्यालय के नाम से कोई अकाउंट नहीं है। इस पर कोर्ट ने हैरानी भी जताई। कोर्ट ने सीबीआई को हर पहलू से जांच करने को कहा है।